एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हो रहा है नाइट का टाइम और ये व्लॉग जो है, तो जानते हैं कि मैं ससुराल आई हुई हूँ, तो ससुराल का ही है। तो इस समय हम लोग आए हैं मेला घूमने के लिए। तो इस वीडियो में ना कोई कुकिंग, ना कोई क्लीनिंग, कुछ नहीं है, बस ये एक मेला का व्लॉग है। यहाँ लगा हुआ था मेला, तो हम लोग फुल फैमिली यहाँ पर मेला घूमने आए थे नाइट में। तो इस वीडियो में बस मैं मेला का ही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ ना हम लोग फुल फैमिली में, मतलब बस मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो तो आए ही नहीं थे, वो तो भगना आया था पहुँचाने, तो वो भी आया हुआ था मेला घूमने के लिए। और छोटा वाला देवर नहीं था, वो अपने काम से बाहर था, और बाद बाकी सब कोई थे। बीच वाला देवर, मेरे बच्चे, देवरानी के बच्चे और सब कोई थे यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैंने बाहर का वीडियो ले लिया था, तो वो मैं आप लोगों से शेयर कर दी। उसके बाद मैं अब अंदर जाऊँगी तो दिखाऊँगी कि वीडियो सब मैं शेयर करूँगी मैं अंदर, मेला के अंदर जाने के बाद। तो यहाँ देखिए मेरे देवरानी लोग आपको कर रहे हैं हाय, और यहाँ देखिए मेरे बच्चे सब भी है ना, बच्चे लोग भी हाय करेंगे आप लोगों को। तो इन लोगों को पता है ना, ब्लॉग बनाती हूँ तो ये लोग जब देखेंगे वीडियो बन रहा है तो हाय कर देते हैं। देखिए तो प्यारे प्यारे मेरे दोनों देवरानी के छोटे छोटे बच्चे, तो इन दोनों के छोटे वाले, एक उसकी छोटी वाली बेटी थी और उसका बीच वाला छोटी वाली का छोटा वाला बेटा था। अब देखिए ये अंदर मेला के अंदर हम आ चुके हैं। तो मेला के अंदर ना बहुत कुछ ही मिल रहा था, बहुत कुछ। ऐसे तो हर जगह, अब जानते लेडीज़ लोग तो हर जगह रुकते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो बस वहाँ रुक रुक के हम लोग देख रहे थे। लिए तो बहुत कुछ नहीं, जो जो ज़रूरत का सामान था देवरानी लोग लिए, मैं तो उतना कुछ नहीं ली। अब यहाँ से कौन ढोके ले जाएगा ना वापस घर, तो मैं तो उतना नहीं बस देखी हूँ, थोड़ा बहुत बच्चों का ज़रूरत का सामान ली, बाद बाकी कुछ नहीं ली। मुझे तो मेला में कुछ ज़्यादातर सामान महंगे ही लगते हैं, कुछ सामान महंगा, कुछ सामान ऐसे, कुछ सामान सस्ता भी था, तो जो ठीक लगा वो लिया। और बच्चे लोग तो अपने में ही मतलब धुन में थे, एकदम बाहर बाहर आगे के दौड़ रहे थे, वो लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप लोग वीडियो को इन्जॉय कीजिए। यहाँ मेरा वॉइस ओवर अब मैं यहाँ बंद करती हूँ, आप लोग म्यूजिक पे इन्जॉय कीजिएगा। और यहाँ देखिए बच्चों को कैसे आगे आगे ये लोग भाग रहे हैं, और मैं, हम तीनों ना तो पीछे खरीदारी ही कर रहे थे, देख रहे थे क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं, और जो जो ठीक लग रहा था खरीद रहे थे। अब बच्चों सबसे पहले पहले ही भाग गए वो लोग झूला पे झूलने के लिए। बहुत तरह का झूला सब होता है ना, इनको तो वही पसंद आता, खरीदारी से क्या मतलब है। तो ये लोग पहले ही आ गए। और ये वीडियो ना तानिया ने ही बनाया था, मोबाइल उसी के पास था, मेरे पास नहीं था, तो उसने वीडियो बनाया, तो ये मैंने इसमें शेयर किया था। और मोबाइल मैंने उसी के हाथ में दिया था और वो पहले जा चुकी थी, तो वही ले लिए। देखिए कितने खुश है बच्चे लोग। तो ये झूला वगैरह, ये झूला का नाम तो पता नहीं था, ड्रैगन करके कुछ नाम होता है, मुझे नहीं मालूम उतना। तो ये तानिया के पास मोबाइल था, तो उसने थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले लिया था, तो मैंने भी शेयर कर दिया। और इस समय ना तानिया मुझे फ़ोन के बोली, मम्मी जल्दी आ जाइए। तो फिर हम भी आ गए, बारिश आ रहा था ना, तो मम्मी जल्दी आइए झूल लीजिएगा, तो हम भी ना फटाफट आ गए थे। तो इस समय बारिश हो रही थी, लेकिन बहुत तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की सी थी। तो मैंने सिर पे ना दुपट्टा बांध लिया था, क्योंकि ना जब बारिश का पानी सिर पे मेरा आता है तो मुझे सिर दर्द करने लगता है इसीलिए। और हल्की की बारिश हो रही थी तो मज़ा भी आ रहा था। और इस झूला को ना टोरा टोरा बोलते हैं, तो वैसा मुझे तो डर नहीं लगा, लेकिन बच्चे लोग कुछ डरे भी इस पे, ऊपर से नीचे हो रहा था ना, इसलिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो आप लोग भी इस वीडियो में बने रहिए और एंजॉय कीजिए।
उसके बाद देखिए ना, फिर वहाँ पे होने के बाद, उसमें झूलने के बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे ब्रेक डांस में। लेकिन ब्रेक डांस में ना चढ़ने के बाद, उसके बाद मेरी तबीयत ही नहीं, मेरी देवरानी की तबीयत भी ख़राब हो गई। मैंने जब बहुत झटका लगता है ना, जिसका ना पूरे मतलब वॉमिटिंग वॉमिटिंग से होने लगा। उसके बाद फिर हमने कोई झूला पे नहीं चढ़ा, सीधा घर वापस आ गए, क्योंकि तबीयत होने लगा ख़राब। बच्चे तो जिद करते मम्मी और चढ़ेंगे, लेकिन हमने मना कर दिया, नहीं अब नहीं, अब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। तो देखिए कुछ इस तरह से था। तो जो थोड़ा बहुत मैंने वीडियो बनाया था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। आई होप आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी। ये वीडियो सबसे हटके है और वीडियो से इसमें कोई कुकिंग क्लीनिंग कुछ नहीं है, बस एक मेला का व्लॉग है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। तो ये ना बैसाखी मेला है, ये वीडियो कुछ पहले का है। मैं इस समय ना मैं मायके आ चुकी हूँ, लेकिन ये ससुराल का ही व्लॉग है कि पहले का मैं वहाँ का भागलपुर का शेयर कर रही थी और फिर यहाँ का। तो बस सब मेला वाला घूम के पहुँच जाते हैं घर। इसके बाद घर आने के बाद इतने बुरी तरह से थक गए थे ना, तो मेरा ये देवर का छोटा वाला बेटा है ना, ये मेरा ना हाथ दबा रहा था, तो बहुत प्यार आने लगा था। सो मतलब थकी हुई थी ना, तो हाथ दबा रहा था मेरा। और उसके बाद ना ये फिर ना नेक्स्ट मॉर्निंग का है, फिर कोई उसके बाद वीडियो नहीं हुआ। तो यहाँ मेरी छोटी वाली देवरानी जो है ना बना रही है परवल की भुजिया। तो मैं ये पता क्यों दिखा रही हूँ, इसका कढ़ाई देखिए, मिनी कढ़ाई एकदम छोटा सा। तो मैं वही बोल रही थी कि घर सबसे घर में छोटी है और दुबली पतली भी है, तो मैं बोली तुम्हारी कढ़ाई भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह ही छोटा सा है, तुम छोटी तुम्हारा कढ़ाई भी छोटा। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही, देखिए इतना छोटा सा कढ़ाई में इसका सब्जी बन जाता है। तो इसी में बना रही थी ये परवल की भुजिया, तो ये मैंने आप लोगों से शेयर किया। मुझे बहुत अच्छा लगा छोटा सा कढ़ाई में बनाते हुए दिखाना, इसलिए। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, वही रोटी और भुजिया पराठा भुजिया नाश्ता में बन रहा था। तो बस यही है आज के व्लॉग में, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई रेसिपी नहीं है, बस छोटा सा मैंने ये नेक्स्ट मॉर्निंग का मैंने क्लिप ऐड कर दिया था। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे। ऐसे तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो भर भर के लाइक दीजिएगा। और करती हूँ मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड।